की तरह इस बार भी नए साल 2023 का पहला त्योहार मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है और ऐसे में वैसे तो जनरली मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने की अलग अलग टाइमिंग और स्थितियों के आधार पर मकर संक्रांति के त्योहार की तारीख बदल जाती है। आइए देखते हैं कि इस बार मकर संक्रांति 14 या फिर 15 जनवरी को किस दिन मनाई जाएगी और मकर संक्रांति पर आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मकर संक्रांति पर जैसा कि आपको पता होगा दान धर्म का विशेष महत्व होता है और सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व होता है। सूर्य देव को जल का अर्घ्य चढ़ाया जाता है, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त वगैरह क्या रहेगा। मकर संक्रांति के त्योहार से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको 2 मिनट में मिलने वाली है, सो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें मकर संक्रांति के त्योहार के महत्व की, तो सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान सूर्य 12 राशियों के भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सक्रांत, लोहड़ा, टहरी, पोंगल आदि नामों से भी जाना जाता है। और मकर राशि में सूर्य जब आता है ना, इस दौरान तिल खाना शुभ होता है और इसीलिए मकर संक्रांति पर आपको पता होगा तिल के लड्डू, तिल का खिचड़ा ये चीजें बनाई जाती है। इस दिन स्नान व दान का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये हर साल जब भी नया साल शुरू होता है तो उसका पहला पर्व होता है, पहला त्योहार होता है और इसलिए इस त्योहार पर दान करना विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी के साथ देवताओं के दिन शुरू होने से मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति से ही मल मास की भी समाप्ति हो जाती है। इसके बाद शादी, सगाई, ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों की भी वापस शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के त्योहार पर सूर्य देव को दिन अर्घ्य के दौरान जल, लाल पुष्प, फूल, वस्त्र, गेहूं, अक्षत, सुपारी आदि समर्पित की जाती है और सूर्य देव की पूजा की जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, पूजा के बाद जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान जरूर देना चाहिए। गुड़ दान करें, तिल का दान करें, जरूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र जैसे कंबल, रजाई, स्वेटर इन चीजों का दान करें, बहुत ही लाभदायक होगा। आपकी जिंदगी में उनकी दुआ का सकारात्मक प्रभाव आपको बड़े चमत्कारिक रूप में देखने को मिलेगा। और हाँ, मकर संक्रांति पर गायों को चारा डालने का भी विशेष महत्व होता है, तो गायों को चारा भी जरूर डालें। और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल व गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मान्यता है ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा होती है और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य व शनिदेव दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना अति शुभ माना जाता है। अगर आपकी जिंदगी में आपके राशि, ग्रह, नक्षत्रों में शनि के साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, तब आपको जरूर शनिदेव और सूर्यदेव की पूजा मकर संक्रांति पर करनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये तो हो गई इस त्योहार के बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण बातें। आइए अब देखते हैं कि आखिर इस बार मकर संक्रांति किस तारीख को मनाई जाएगी। तो आपको बता दूं, इस साल 2023 में हिंदू पंचांग के मुताबिक ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 जनवरी 2023 की रात में 8:21 पर मकर राशि में गोचर करेंगे और क्योंकि उदिया तिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस साल 2023 में मकर संक्रांति भी 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। तो आप भी मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को ही मनाएं और 15 जनवरी में शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो 15 तारीख को सुबह 7:15 से शाम को 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। इस दौरान आप भगवान सूर्यदेव की पूजा कर सकते हैं, दान धर्म सारे काम कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों मकर संक्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में मकर संक्रांति के त्योहार को किस नाम से जाना जाता, कमेंट करके बताइएगा।